नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। सोशल मीडिया पर सलमान खान को धमकी देने वाला एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और एक्टर की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान को पहले से ही मुंबई पुलिस के वाई प्लस सुरक्षा दी है। हालांकि पहली बार नहीं है जब एक्टर को बिश्नोई ने धमकी दी है। हाल ही में पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी गिरेवाल के कनाडा वाले घर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हमला किया था। इस बात की जानकारी खुद गैंगस्टर बिश्नोई ने इस मामले में खुलकर गिप्पी को धमकी देते हुए कहा कि सलमान के साथ बढ़ती दोस्ती का ये नतीजा है, उनके घर पर हमला किया गया है। ऐसे में सलमान खान को धमकी देने वाला पोस्ट वायरल हो रहा है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को सलमान की सुरक्षा की समीक्षा की है। एक्टर के पास अभी वाई प्लस सुरक्षा है, जिसे भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि धमकी के बाद एक्टर की सुरक्षा की समीक्षा की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खामी ना रहे। इसी साल अप्रैल में एक अनजान शख्स ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन कर अपना नाम रॉकी बताया था और कहा था कि जोधपुर के गौरक्षक में रहता है, 30 तारीख को सलमान खान की हत्या को अंजाम देने वाला है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन मोड पर आ गई थी, पुलिस और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कुछ दिनों पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को मारकर गुंडा बनने की बात कही थी। इसी कड़ी में सलमान की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। इसके बाद हनी सिंह से लेकर तमाम सितारे हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल बता दें कि सलमान खान की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।